व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है सभी। आप देख रहे हैं जीवन फिटनेस। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है जी वेट लॉस करें कि फैट लॉस करें। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि जी मैंने तो मतलब वेट लॉस करना है, मेरी तो शादी है 3 महीने बाद, ये तो कोरोना ख़त्म होने वाला है तो उसके बाद तक मेरी शादी है, तो शादी के लिए मुझे तो वेट लॉस करना है, मैंने अब क्या करूँ, मेरा तो 40 किलो मैंने वज़न कम करना है, मैंने तो मेरा 60 किलो वज़न है और मैंने 20 किलो भी लेके आना है। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि जी मैंने 10 किलो लॉस करना है, मैंने 1 महीने में 15 किलो लॉस करना है, तो आप काइंडली मेरा करवा दें। तो हमें इस चीज़ का समझना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो होती है उसको लॉन्ग रन में लेके चलना चाहिए। फिटनेस शॉर्टकट नहीं है। फिटनेस के आप कोई भी गोल कर रहे हैं वो आप शॉर्टकट आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो आपको चाहिए कि फिटनेस के जितने भी गोल्स हैं उसको लॉन्ग रन में चलें। आप वो डाइट करें, वो स्केजुअल करें, वो वर्कआउट करें जो आप पूरी लाइफ सस्टेन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ताकि आप उसको इजीली खुशी खुशी आप उसको कर सकें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि चैनल का लाइक का ये लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो है आपको नोटिफिकेशन उसको मिल सके। अच्छा, पहले मैं आपको कहूँगा कि वेट लॉस के हम फ़ायदे, वेट लॉस के नुकसान और उसको कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा, देन हम स्विच करेंगे फैट लॉस के। अच्छा, वेट लॉस में एक्चुअली होता है कि वेट लॉस में जब भी बात आती है वेट लॉस की, हम इमेजिन ये करते हैं कि हमने अपना वज़न जो है वो कम करना है ताकि हम जो वेट स्केल है उस पर हमारा वज़न 5-7 किलो 10 किलो कम आ सके, ताकि हम अच्छे दिख सकें, हमारी बॉडी में पेट हमारा कम हो जाए, हमारी चेस्ट के नीचे जो फैट है, जो हमारे हिप के नीचे फैट है वो कम हो सके। तो लेकिन ये ऐसा होता नहीं है वेट लॉस में। वेट लॉस में एक्चुअली हम लॉस करते हैं अपने वाटर वेट को, अपने मसल को, थोड़ा बहुत फैट। इसके अलावा हमारी बॉडी कुछ भी नहीं करती। अगर किसी बंदे ने वेट लॉस करना है, वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा मोटा है, ये अपने वेट से 30-40-50 किलो वज़न ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा कि वो टका के कार्डियो करेगा कि मैं सुबह आऊँ शाम को आऊँ जिम में कार्डियो करूँ, रनिंग करूँ, भागूँ, जिम करूँ, स्विमिंग करूँ और मैं जाके जनाब फुटबॉल वगैरह खेलूँ। तो करना ही चाहिए कि जिस बंदे का वेट ज़्यादा, अगर फर्ज का उसका 100 किलो वज़न है, 100 किलो के हिसाब से उसने उसको मल्टीप्लाई कराना 1.5 से, यानी वो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 150। तो 150 का फिगर है, 150 ग्राम आपने प्रोटीन लेना है जिसने वेट लॉस करना रैपिडली, और साथ आपने वेट लॉस के साथ साथ और उसके 150 का डबल करना है आपने वो कार्बोहाइड्रेट लेने हैं, और 150 का हाफ अपने फैट लेने हैं, और वो आगे और ये डाइट करने के बाद कम से कम 2 से 4 मील रखे आपने, तो छोटा छोटा करके मील खाए, पोर्शन कंट्रोल करे, दिन में 5 से 7 मील करे, साथ स्नैकिंग करे, और यही आपने इतनी अपने जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसको आपने अवेल करना है और इसको आपने खाना है, और साथ कम से कम दिन में 1-2 घंटे के लिए कार्डियो करे। अच्छा, कार्डियो वो करना है जिसमें आपकी कार्डियोवास्कुलर गेम वो करनी है जिसमें आपकी हार्ट रेट ऊपर जाए। आप जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, हॉकी खेल सकते हैं, आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसके अलावा आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, भाग दौड़ कर सकते हैं और घर के काम भी कर सकते हैं साथ। तो ये आपने वो काम करना है जिससे आपकी हार्ट बीट जो है ऊपर जाए, जिससे आपका मैक्सिमम आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट करे और आप अपना वेट लॉस करें और अपना फैट लॉस जो आपका जो गोल है उसको कर पाएँ। और इसके साथ वेट लॉस में हम लोग क्या करते हैं कि एक दिन में अगर जो रिकमेंडेड जो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि हम अगर वेट लॉस कर रहे हैं कि बिजनेस वेट गिराना भी है, तो हम लोग हफ्ते में 2 kg रिकमेंड करते हैं कि 2 kg भी आपने वेट गिराना है, इससे ज़्यादा वेट नहीं गिराना। अच्छा, इसके साथ अगर आप रैपिडली अगर 1 महीने में 15-20 किलो वेट लॉस करते हैं उसका नुकसान क्या होता है? अच्छा, उसका नुकसान सबसे पहले ये होता है कि हम बॉडी में वेट जब वेट लॉस कर रहे होते हैं, हमने वेट लॉस कर लिया है, हमारी बॉडी की कंपोजिशन नहीं होती। ये 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊपर कि एक दोनों सेम वेट है लेकिन आप बॉडी की कंपोजिशन देख सकते हैं कितना से मीन समान का फ़र्क है। तो इसमें होता ही है कि जब भी हम वेट लॉस कर चुके होते हैं या कर रहे होते हैं, हम अपने मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा गोल होता है कि जब हमने कंडे पे चढ़ना है तो हमारा कंडे पे 10 किलो वज़न कम है, यानी वेट स्केल पे 10 किलो वज़न कम है। तो उसकी वजह से हम बॉडी में जो है हम अपना मसल लॉस कर चुके होते हैं, अपना वाटर वेट लॉस कर चुके होते हैं, थोड़ा बहुत फैट लॉस करते हैं। जैसे ही हम डाइट वगैरह को ख़त्म करते हैं, अपने स्केड्यूल को ख़त्म करते हैं, हम डाइट छोड़ दी, खाना पीने की, मेरा तो वेट लॉस कम हो गया, कपड़ों के अंदर मैं जैसा भी, लेकिन कपड़ों से पता लगा रहा हूँ डजंट मैटर, ये मेरे लिए बहुत बेहतर है। तो होता क्या, उसके फौरन बाद आपका मेटाबॉलिज्म पहले डिस्ट्रॉय होता है, आप कुछ भी खाते हैं आपकी बॉडी वो जो भी खाना होता है वो बॉडी कहती है यार इसने तो मुझे पहले भूखा रखा है, ये तो मुझे मार चुका है, इसने जनाब मेरी सही मत मारी है, तो ये तो मुझे अब खाना नहीं दे रहा, जो मुझे खाना दे रहा है मैं इसको स्टोर करूँ दोबारा। बॉडी ये कहती है, वो बॉडी हमारी बड़ी समझदार है, अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी हमारी बॉडी बनाई है, तो हम क्या करते हैं कि हमारी बॉडी जो है ना, जो भी आपको दे रहे हैं उसका 50-70% दोबारा स्टोर करना शुरू करती है इन फॉर्म ऑफ फैट, कि ये तो उसने मुझे पहले बड़ा जलील किया, ये दोबारा आगे मैं जलील कर सकता हूँ, तो इससे बेहतर है कि मैं अपनी बॉडी में मसल मैस रिटेन ना करूँ, मैं बॉडी में फैट बनाऊँ ताकि इन फ्यूचर मैं इसको काम में लेके आ सकूँ।
तो ये आपने, मैं रिकमेंड करता हूँ कोई भी फिटनेस एक्सपर्ट है कि वेट लॉस नहीं करना चाहिए, आप वेट लॉस की जगह फैट लॉस पे फोकस करें, अपना जो फैट लॉस है आपने पर्टिकुलर एरिए से या जो आप ओवरऑल बॉडी से आप जो बॉडी की कंपोजिशन करना चाहते हैं तो वो फोकस करें। अच्छा अब आते हैं फैट लॉस पे। अच्छा फैट लॉस कोई भी अगर हमारे जिम में आता है या मेंबर आता है हमसे, कोई भी हम जिसको कंसर्न करते हैं तो कोई भी आप इसको हम कोई पर्सनल ट्रेनिंग है या बेसिक प्लान है या कोई भी आप हमसे पूछता है कि यार जी मैं की कराँ, हम उसको इमरान खान की तरह पहले एक अच्छा खासा खिताब देते हैं तो कि भाई ये करो, वेट लॉस नहीं करना चाहिए, फैट लॉस करना चाहिए, आपको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, आपके स्केड्यूल ये होना चाहिए, आपका ये स्केड्यूल होना चाहिए, आपकी डाइट का ये स्केड्यूल होगा, आपके वर्कआउट का स्केड्यूल ये होगा, हफ्ते में हम इतने दिन ट्रेनिंग करेंगे, हम ये लिस्ट करेंगे, हिट करेंगे और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे। तो जब भी हम कोई भी गोल फॉलो करना शुरू करते हैं प्रॉपर गोल कि हमने बॉडी से फैट लॉस करना है, तो हमें चाहिए कि यार प्रॉपर एक न्यूट्रिशन प्लान, एक डाइट प्लान और एक वर्कआउट स्केड्यूल इसका डिज़ाइन करें। तो आप कोई भी खुद ट्रेनिंग करना चाहते हैं खुद करें, फिटनेस वाले जो फिटनेस एक्सपर्ट हैं उनसे आप पूछें कि यार हमें क्या करना चाहिए, तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग करके फिर बॉडी को धकेलें यार अपने जो आप जर्नी आप स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि आपको रिजल्ट दें, आप डी मोटिवेशन हो। अच्छा फैट लॉस में क्या होता है, फैट लॉस में स्किन के नीचे हमारा फैट होता है और हमारे जो पेट या थाइस वगैरह के या बैक के फैट होता है उसको यानी सबकुटेनियस फैट और स्टबन फैट को हम कम टारगेट करते हैं। वस्कुलर फैट को हम टारगेट नहीं करते, वस्कुलर फैट वो होता है जो हमारे ऑर्गन्स के लिए निपटा होता है, उसको हम टारगेट नहीं करते, वो भी थोड़ा सा कम होता है लेकिन इतना हम उसको टारगेट नहीं करते। तो जब भी हम फैट लॉस की बात आती है, फैट लॉस में हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में होता है कि जैसे ही हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो हम अपना मसल बिल्ड करते हैं। एक सिंपल सा फंडामेंटल आप इसको समझें लाइफ में कि जब भी आपने वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है सॉरी फैट लॉस करना है तो आपने अपनी बॉडी में मसल बिल्ड करना है, जितना मसल बिल्ड होगा उतना आपका फैट बर्न होगा। अच्छा ये भी एक वो सवाल आता है कि जी मैं एक काम कराँगा या मैं वेट लॉस कराँगा या फैट लॉस कराँगा या मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूँ, तो इसका जवाब ये है कि जी हम एक ही वक्त में हम तीनों काम कर सकते हैं, अपना वेट भी थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, अपना मसल भी बना सकते हैं और हम फैट लॉस भी कर सकते हैं एक ही टाइम पे। इट डिपेंड ऑन योर ट्रेनिंग स्केड्यूल, ट्रेनिंग आपके प्रोटोकॉल्स और सेकंडली आपकी डाइट, तो न्यूट्रिशन इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे ही हम फैट लॉस की बात आती है, फैट लॉस में हमें चाहिए कि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ हम कार्डियोवैस्कुलर गेम्स करें, हम लिस्ट करें, लो इंटेंसिटी कार्डियो करें या LISS करें, लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो करें, जिससे हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ हमारा फैट भी बर्न हो। अच्छा फैट कैसे बर्न होगा, जो हमारी बॉडी में स्टोर फैट होगा, हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दौरान हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो बॉडी है वो जो हमारे स्टोर फैट होते हैं उसको मोबिलाइज करती है और उसको हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाती है। जैसे ही वो ब्लड स्ट्रीम में आता है वो बर्न होता है, लेकिन कुछ होता है कि हमारी वो ब्लड स्ट्रीम में बर्न नहीं होता, तो होता क्या कि हम उसके बाद स्ट्रेंथ के बाद हम फौरन कार्डियो करते हैं, लो इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में वो जो सर्कुलेट हो रहा था फैट जो स्टोर रिजर्व से हमने लिया होता है तो वो बर्न होना शुरू होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कोई भी फिटनेस एक्सपर्ट है, कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट है, कि वो हमेशा ये कहेगा कि काइंडली आप अपने फैट लॉस पे फोकस करें ना कि आप वेट लॉस पे। फैट लॉस पे अगर आप फोकस करेंगे आपकी बॉडी की कंपोजिशन बहुत अच्छी होगी, आपकी बॉडी शेप अच्छी रहेगी, आपका फिगर वगैरह आपकी बॉडी बाइसेप ट्राइसेप बैक या लेग्स की शेप अच्छी होगी, उसमें मसल ज़्यादा होगा, मसल ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा एक्टिव होंगे, आपका मेटाबॉलिज्म हमेशा बूस्ट रहेगा, आप एक्टिव रहेंगे, कोई भी काम करना है आप अच्छे दिखेंगे, आपके मूड स्विंग नहीं होंगे, आप प्रोडक्टिव हो जाएंगे। तो काइंडली इस वीडियो को आपने देखा है तो आप काइंडली मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फैट लॉस पे फोकस करें और साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करें। वेट लॉस एक बहुत शॉर्ट टर्म गेम है, उसे आप फोकस ना करें वो आपको उल्टा नुकसान करेगा। वेट लॉस में आप बहुत सारी बीमारियों में बाद में जगह जाते, आपको डायबिटीज़ हो सकती है, आपको फैटी लीवर हो सकता है, आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती हैं अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा या आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं। तो काइंडली वेट लॉस की जगह आप फैट लॉस को करें, तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिरते हुए लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।